अम्मी मासूमा क्या हुआ अम्मी को? मासूमा अम्मी को क्या हुआ है? मासूमा मासूमा बताती क्यों नहीं हो अम्मी को क्या हुआ है? मासूमा मेरे अल्लाह ये इतनी बेहयाई करने से पहले बंदी क्यों हो गई? अरे खुदा अरे कोई तो आओ इस मासूम की इज्जत बचाए कोई। क्या कर दिया तुमने लड़के? क्या कर दिया? क्या बकवास कर रही हैं आप मासूमा? इन्हें सच सच बताओ, ऐसा कुछ नहीं है जो ये समझ रही हैं। आए लो लो खालदा आओ तुम भी देखो तमाशा। तुम तो यहाँ शॉपिंग ही करती फिर रही हो और तुम्हारे यहाँ बद किरदार बद नियत बेटा कह रहा था कि तुम अंदर कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। देखो अरे देखो इसने क्या किया इस मासूम बच्ची के साथ। अरे इसे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मासूमा मासूमा चुप क्यों? मासूमा बताओ अम्मी को ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मासूमा मासूमा तुमने तो कहा था कि अम्मी की तबीयत खराब है। मासूमा अम्मी ये औरतें झूठ बोल रही हैं। मासूमा सच सच बताओ, ऐसा कुछ नहीं है? सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी अब? अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मासूमा क्यों बकवास कर रही हो? ये बेगुना बन के पीछे हट रहा है और सारा इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी खत्म हो गई खाला। बेगुना बन के पीछे हट जा और सारा इल्जाम मुझ पे लगा दो। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी आप ठीक है? मेरी माँ मर गई, जीते जी मर गई भाई। अरे इससे क्या पूछती हो, मुझसे पूछो। जिन बहनों के भाई इतने बेगैरत हो जाए ना तो उन्हें डूब मर जाना चाहिए। तुम्हें जरा गैरत नहीं आई कि तुम भी एक बहन के भाई हो? इस तरह के भाई को मुझे तो कुछ शर्म आ रही है। ये क्या कह रही हैं आप? सादिया जो भी कह रही हैं झूठ कह रही हैं। मुझे मासूमा ने कॉल करके कहा था कि अम्मी की तबीयत खराब है और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ कुछ और ही हो रहा था। हाँ और आपने मुझे मैसेज भी किया था कि घर जल्दी आऊं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट ये बताएं कितने पैसे दिए मासूमा ने ये सब करने के? ए, कौन सा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं तो अरे हम तो मासूमा का शोर शराबा सुनकर यहाँ दौड़ चल रहे थे। ये देखें अम्मी, ये देखें भाई का मैसेज, टाइम भी देख लें। अगर उनकी नीयत में खोट होता तो वो मुझे जल्दी आने का क्यों कहते? निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद इस घर का रुख मत करना। चलो मरो लड़ो हमें क्या। ये कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने हमारे साथ? इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने मेरे बेटे पर। आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गया और ये चुड़ैल सादिया भी ऐन मौके पे आ गई और तो और सबूत के तौर पे उस कमबख्त मारी ने मैसेज भी पेश कर दिया। अरे अम्मा अगर ये मैसेज वाला मामला ना हुआ होता ना तो ये लोग कभी भी सफीर को सच्चा साबित नहीं कर सकते थे। अरे मेरे तो पूरे के पूरे 15,000 ही डूब गए। वैसे अम्मा गलती तुम्हारी थी, तुम्हें पहले पैसे ले लेने चाहिए थे। अरे मैं तो इतने अच्छे होटल में डिनर का प्रोग्राम बना के बैठी हुई थी। आग लगी तुम्हारी डिनर को मेरे पैसे। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100 पर 100।